प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिलेटेड पोर्शन में से था, जो 30% लास्ट ईयर डिलेटेड था, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव जिसे मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो ध्रुव जिनकी प्रकृति विपरीत है परंतु ध्रुव सामर्थ्य समान है, परंतु ध्रुव सामर्थ्य समान है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। साधारण सरल भाषा में चुंबकीय द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें समान ध्रुव सामर्थ्य के दो विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण आता है दंड चुंबक। यहां देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, इनकी ध्रुव सामर्थ्य क्या है? m है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2l। तो अब नेक्स्ट टर्म आती है चुंबकीय। अच्छा, यहां पे m क्या है? यहां पे इसे कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। क्या कहते हैं इसे? ध्रुव सामर्थ्य, क्षमता कह दो, ध्रुव सामर्थ्य कह दो, जो मर्जी कह दो, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? इसे पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ। मात्रक क्या है इसका? इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बिल्कुल साधारण सरल भाषा में चुंबक के ध्रुव की सामर्थ्य तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच के दूरी के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैसे? उस चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो गया एम्पियर मीटर इंटू मीटर। ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल क्या होती है? इसकी दिशा होती है, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय द्विध्रुव पर बल हो, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखा? एक चुंबकीय द्विध्रुव रख दिया। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये चुंबकीय क्षेत्र B हो गया। इसकी लंबाई कितनी होगी? 2L, ठीक। यहां से एक लंब डाला
यहाँ से एक लंबडाला मिला दिया, ठीक, इसे सी ले लिया, ये कितने कोण पे कार्य कर रहा है, थीटा कोण पे, इस पे एक बल काम करेगा एम बी, इस पे भी एक बल काम करेगा एम बी, ये बल होते हैं चुंबकीय क्षेत्र पे, बल लगते हैं, किसमें लगते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बल लगते हैं। अब जब मैं इस चुंबकीय द्विध्रुव को कहां रखूंगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा, तो नॉर्थ पोल के कारण क्योंकि इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, जो बल लगने लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और जो साउथ पोल उसमें चुंबकीय बल रेखाएं एंटर करती है तो इसमें जो बल लगने लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगने लग रहा है। अब त्रिभुज एन सी एस में साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा एन सी अपॉन एन एस, एन सी अपॉन टू एल, तो एन सी इज इक्वल टू टू एल साइन थीटा। इसमें हो क्या रहा है, जब हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, किसको, दंड चुंबक को, एक चुंबकीय द्विध्रुव को, हम एक दंड चुंबक को रख रहे हैं, तो हर एक दंड चुंबक पे, हर एक चुंबक पे मतलब जो जो एक पार्ट है चुंबक का एक पार्ट है उन पे क्या लग रहा है, बलाघूर्ण कार्य कर रहा है। ये क्या करता है, ये बलाघूर्ण कैसे लगने लग रहा है, ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे, कपल, बलयुग्म। अब बलयुग्म का किसी अक्ष के प्रति आघूर्ण क्या कहलाता है, बलाघूर्ण कहलाता है। तो इस समय जो इस पर बलाघूर्ण लगने लग रहा है वो कितना लग रहा है, बलाघूर्ण बल गुणा बलों के बीच बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल कितना लग रहा है F, और दूरी कितनी है हमारे पास NC, F कितना है MB इंटू टू एल साइन थीटा, M ये टाउ हो गया, इंटू टू एल B साइन थीटा, M इंटू टू एल क्या हो गया P, B साइन थीटा, PM कर देते हैं यहां पे। अगर इसे सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू पी एम क्रॉस वेक्टर बी। यदि थीटा जीरो डिग्री है मतलब द्विध्रुव इसी की दिशा में रखा है तो साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम बी साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो। यदि थीटा 90 डिग्री है साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 1। तो टाउ एम की टाउ कितना हो जाएगा पी एम बी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू पी एम बी। बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।